एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हूं मानशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कैसे हम सोइल से फंगस को आइसोलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोइल एज अ हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई। हमें पता है कि सोइल जो है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होती है, इसी वजह से वेरियस काइंड ऑफ प्लांट कैन ग्रो ऑन सोइल। सो यही रीज़न है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं सोइल में, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है। और जहाँ न्यूट्रिएंट वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सो सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, सोइल में ही मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको मॉइस्चर प्रॉपर्ली मिल जाता है, टेम्परेचर वहाँ का अच्छा होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, न्यूट्रिएंट तो वहाँ पर मिल ही रहे हैं। तो किसी भी लिविंग पर्सन के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, न्यूट्रिएंट है। हम कपड़ों के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं उसके बिना सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले न्यूट्रिएंट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ की नीड आती है हमारी, यस, हैबिटेट। यानी कि सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, फिर हमें रहने के लिए जगह चाहिए होगी। थर्ड नीड क्या है, अगर हम हायर एनिमल में भी सिर्फ ह्यूमंस क्या करते हैं, क्लोथ पहनते हैं अपने सराउंड को कवर करने के लिए। तो लेकिन जो फंगस होती है उसको इन सब चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है। और हम किसको आइसोलेट कर रहे हैं, फंगस को आइसोलेट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको सोइल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको बैक्टीरिया बताया थी कि कैसे आइसोलेट किया जाता है सीरियल डाइल्यूशन मेथड से। बट आज सिर्फ हम फंगस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वारकप मेथड। वारकप मेथड में सिर्फ हम फंगस को आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया को आइसोलेट नहीं करते हैं। अब ये जो मेथड है 1950s में किसने दिया था, सर वारकप ने दिया था। ये एक सिंपल मेथड था, इसको हम डायरेक्ट सोइल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सोइल को फिर क्या कर लेते हैं, मीडिया की पोरिंग कर देते हैं, देन उसको इनक्यूबेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जो जो डाइल्यूशन बनाए थे हमने उसमें कितना फंगस ग्रोथ आई है। तो एक डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या मिलती है, इसमें फंगस ग्रोथ मिल जाती है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि डिफरेंट डाइल्यूशंस पे हमें कितनी कितनी फंगस मिल रही है। तो आज वाली वीडियो में आपको अलग अलग टाइम इंटरवल यानी कि 24 आवर, 48 आवर एंड 72 आवर्स के इंटरवल में आपको दिखाऊंगी कि फंगस किस तरीके से ग्रो करी है। सिर्फ फंगस ही नहीं, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज भी ग्रो की हैं। और आज वाली जो वीडियो है, क्योंकि मैंने फंगस को आइसोलेट किया है, इसलिए मैंने जो यहाँ पर मीडिया यूज़ किया है वो कौन सा है, SD यानी कि सेवरोज डेक्सट्रोज अगार। तो चलिए सीधे आपको लेकर के चलती हूँ लैब में। याद रखिए, जब भी आप लैब में जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मास्क पहन लेना है, लैब कोट पहन लेना है और हैंड्स में आपके ग्लव्स होने जरूरी हैं। तो चलिए चलते हैं लैब में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी पैट्री प्लेट्स हैं आपने स्टेरिलाइज़ की हुई थी वो आपको क्या कर लेनी है, यस, अपने पास रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, इनमें सोइल को वे करके यानी कि 0.005 से लेके 0.15 तक, ठीक है, आपको 5 डाइल्यूशन बनाने हैं और उसको क्या करना है, पोर करनी है। तो पोर करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपकी पैट्री प्लेट है उस पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको मार्क कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, डेट क्या है, सोइल कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, मीडिया कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की पहली प्लेट पर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट आपको 0.005 से लेकर के 0.15 ग्राम ऑफ सोइल, एयर ड्राइड सोइल आपको क्या करनी है, पैट्री प्लेट में डालनी है, 5 पैट्री प्लेट्स में। सो यहाँ पर मैंने एक डाली है, पहले वो दिखा रही हूँ। इसके बाद मीडिया लेना है आपको, और मीडिया को अच्छे से क्या कर लेना है, उसके नेक को स्टेरिलाइज कर लेना है। SDA यानी कि सेवरोज डेक्सट्रोज अगार, जो कि फंगस के कल्टिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसको आपको क्या कर लेना है, अच्छे से पोर कर लेना है। अब यहाँ पर मीडिया थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने क्या किया था, स्प्रिट लैम्प को नेक पर उठा करके स्टेरिलाइज किया था। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मीडिया को वापस से ढक देना है और क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है सोइल सैंपल को, और इसको क्या करना है, सोलिडिफिकेशन के लिए अलाउ करना है। ऐसे ही आपको बाकी की 5 पैट्री प्लेट्स क्या कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है। एक बार मैं सामने से भी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेना है। हैंड स्टेरिलाइजेशन के बाद आपको इसको पीछे रख देना है अल्कोहल को। नेक्स्ट आपको अपनी नेक्स्ट पैट्री प्लेट उठानी है, और जो नेक्स्ट डाइल्यूशन, मतलब नेक्स्ट जो डिस्क्रीट सीरीज में आपने क्या लिया होगा, सोइल लिया होगा, वो डालनी है। तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इस प्लेट पर भी मार्किंग करनी होगी, वही डेट जो भी है आज की, ठीक है, कौन सा आप मीडिया लेने वाले हैं, क्या क्या आप बाकी की चीज़ें इसमें, सपोज़ सोइल सैंपल कौन सा है, ये सभी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, मार्क कर लेनी है। एंड नेक्स्ट जो आपके पास सोइल सैंपल है उसको क्या कर लेना है, पोर कर लेना है अपनी पैट्री प्लेट में। सो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेथड मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही दिखा चुकी हूँ। सेम अब आपको जो भी आपका SDA है उसके नेक को यानी कि कॉनिकल के नेक को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेरिलाइज करना होगा। एंड देन आपको वापस से क्या कर लेना है, जो हमारा मीडिया है उसको पैट्री प्लेट में पोर कर लेना है, लगभग 15 से 20 ml। सो उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेट को अच्छे से मिक्स करना है, देन मीडिया को अलाउ करना है कि वो सोलिडिफाई हो जाए। तो आपको पीछे ब्लोअर ऑन करके
हाफ कवर करके जो पैटरी प्लेट है उसको रख देना है। इसी तरीके से आपको बाकी सभी प्लेट्स भी क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। 0.005 से लेके 0.15 के जो सॉइल है वो डिस्क्रीट सीरीज़ में आप डालते रहेंगे एंड मीडिया को पोर करते रहेंगे। वही सारी प्लेट्स आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करनी है एंड मिक्स करना है एंड आपको इनक्यूबेट करने के लिए रख देना है इन्वर्टेड पोजिशन में प्लेट्स को फॉर 3 to 7 days। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो रिज़ल्ट दिखाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी 24 आवर, 48 आवर्स एंड 72 आवर्स का। ये प्लेट्स जो आपको रखनी है वो रखनी है 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो ये 24 आवर्स का रिज़ल्ट है जिसमें आपको कुछ कम कॉलोनीज दिख रही हैं सॉइल की। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 आवर्स का रिज़ल्ट। इसमें जो मीडिया था, क्योंकि उसमें अगर मे भी थोड़ा कम रह गया था तो क्या हो गया, मीडिया आप देख रहे हैं बीच से थोड़ा कट गया है। तो ये है 48 आवर्स का रिज़ल्ट। नेक्स्ट इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे 72 आवर्स का रिज़ल्ट। तो आप खुद ही कंपेयर कर पाएंगे कि कितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ एकदम हो जाती हैं। सो ये जो प्लेट्स आप देख पा रहे हैं ये कौन सी हैं, 72 आवर्स के बाद कितनी ज़्यादा जो हमारी प्लेट्स हैं वो भर चुकी हैं और काफ़ी सारी हमें यहाँ पर कॉलोनीज़ दिखाई दे रही हैं। किसकी, फंगस की एंड एक्टिनोमायसिटीज़ की। ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो थोड़ी उभरी हुई कॉलोनी है किसकी है, एक्टिनो की है। सो यस, यही था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वार्कर प्लेट मेथड क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वार्कर प्लेट मेथड किस तरीके से किया जाता है। तो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद रिजल्ट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिकली हमने इसको आइडेंटिफाई किया डिफरेंट फंगस को। यहाँ मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली फंगस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ। सो यस, जो फंगस आई थी, हमने जो फंगस हमें मिली थी उनको हमने स्टेन किया था लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू से। और उसके बाद जो फंगस के स्टेन मिले थे वो थे राइजोपस मिला था, म्यूकर मिला था, फ्यूजेरियम, क्लेडोस्पोरियम, पेनिसिलियम, इससे अलग जो करव्यूलेरिया, बहुत सारे स्ट्रेन्स मिले थे फंगस के। ये स्पेसिफिकली हमने इनका, क्योंकि आपको पता ही है फंगस को हम जीनस लेवल तक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी की हेल्प से, तो ये हमने आइडेंटिफाई किए थे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माइक्रोटॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।